बजने को हैं और मैं कहना चाहिए 10 बज चुके हैं आपके साथ मैं आदित्य त्यागी। पूरे हिंदुस्तान के लिए, हमारे आपके लिए, 130 करोड़ भारतीयों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आज रात जब चंद्रयान 2 चांद पर कदम रखेगा तो भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, जी हाँ, साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला मुल्क होगा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपको बता दें देश भर से 74 बच्चे भी इसरो के मुख्यालय में मौजूद रहेंगे। अंतरिक्ष की दुनिया में वर्ल्ड चैंपियन, जी हां, विश्व विजेता बनने जा रहा है भारत के चंद्रयान 2 मिशन पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी पाकिस्तान बर्बाद अर्थव्यवस्था, कर्ज में डूबा हुआ, लेकिन बावजूद इसके उसका भारत विरोधी मिशन खत्म नहीं हो रहा। पाकिस्तान आए दिन नए आतंकियों को भर्ती कर रहा है, नए लॉन्च पैड्स की तस्वीरें सामने आई हैं जिससे पाकिस्तान की आतंकी साजिश बेपर्दा होती है, क्योंकि पीओके में, जी हां, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में वो आतंकी फैक्ट्री लगाए हुए हैं। क्या हम सवाल उठाने वाले हैं अगले एक घंटे में, जल्दी से आपको बता देती हूँ, आतंकियों का भर्ती अभियान, क्या यही है इमरान खान का न्यू पाकिस्तान? कश्मीर पर आतंकी हताश, क्या इसलिए आ गए सरकार और वहां की फौज के साथ? गर्व के आसमान में हिंदुस्तान और आतंक के चरणों में इमरान, इमरान बाजवा के आतंकी भर्ती अभियान का खेल खत्म कब होगा? दो तस्वीर, 43 आतंकी वाले जिंदा सबूत, क्या इमरान करेंगे कबूल? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देती हूँ, हमारे साथ सीनियर स्पेस साइंटिस्ट बलदेव दावल साहब हैं, आपके स्क्रीन पर आप उन्हें देख पा रहे हैं, संचयता गजपति हैं, बीजेपी की नेता हैं, बीके त्यागी साइंटिस्ट हैं विज्ञान प्रसार में, और साथ ही फॉर्मर DRDO साइंटिस्ट रवि गुप्ता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन इन दो तस्वीरों के बारे में हम बात करने वाले हैं जो समय आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एक तरफ आतंक के गर्त में पाकिस्तान, हालांकि कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए, हिंदुस्तान जहां पर खड़ा है, इन दो तस्वीरों को साथ में आना भी नहीं चाहिए। एक तरफ हिंदुस्तान साउथ पोल पर उतरने वाला पहला दुनिया का राष्ट्र बनने जा रहा है, आज रात को 1:53:20 जब हिंदुस्तान इतिहास रचेगा, और इतना ही नहीं, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चांद पर, चंद्रमा पर चौथा मुल्क बनेगा, हर किसी की निगाहें, दुनिया भर की निगाहें हिंदुस्तान पर टिकी हुई हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को जलन होती है। उसे जलन होती है कि 1947 में दो मुल्क एक साथ चले, लेकिन पाकिस्तान पीछे छूट गया और हिंदुस्तान कामयाबी की एक के बाद एक नई भारत लिख रहा है, दुनिया भर में हिंदुस्तान का डंका बचता है, फिर चाहे वो भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी हो, सस्ता टिकाऊ स्पेस प्रोग्राम हो, दुनिया भर के मुल्क हिंदुस्तान पर निर्भर करते हैं अब, और वही पाकिस्तान अर्थव्यवस्था गर्त में, कर्ज में डूबा हुआ, दुनिया पूछती नहीं है, दुत्कारती है, पूरा मुस्लिम एजेंडा लेकर इमरान खान दरबदर ठोकरे खा रहे हैं दुनिया भर में, कोई पूछ नहीं रहा। सबसे पहले आप ही के पास आती हूँ बलदेव दावत जी, सबसे पहले सर आपका कॉमेंट, और यहाँ पर मैं हिंदुस्तान के इतिहास रचने के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। आज जब 1:53:20 होंगे तो बताइए हिंदुस्तानियों को क्या ऐसा होगा जो दुनिया में अभी तक नहीं हुआ है। पहली बात तो यह है कि चांद पर और पिछले 60 सालों से कई लोगों ने, हेलो, जी जी सर बोले, मैं आपको सुन पा रही हूं, हेलो, हाँ, हाँ, तो पहली दफा साउथ पोल पर, चांद के साउथ पोल पर भारतीय यान उतरेगा, और अभी आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, बहुत लंबी इंतजार रही, लेकिन उसका कारण था, और वो कारण जो है बहुत ही गर्वपूर्ण है, और इसके साथ ही इस वक्त जो ऑर्बिटर है वो चांद की परिक्रमा कर रहा है, और दो साल तक करता रहेगा, और उससे अलहदा होकर विक्रम सॉफ्ट लैंड करने वाला है, और कुछ घंटों के बाद सॉफ्ट लैंड करेगा। और ये बात बताने की है कि इस वक्त विक्रम जो है लैंडर वो स्वचालित है, वो खुद उसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं, वो अपने नीचे की धरती को, चांद की धरती को देख रहा है, चांद की सतह को देख रहा है, और अपने उतरने के लिए ठीक जगह को पहचान रहा है, और उसके अंदर कैमरे भी लगे हुए हैं 4-5, और 7-7 सेंसर हैं, और वो स्वचालित है, वो अपना रास्ता इस वक्त खुद देख रहा है,
और इस वक्त उसको अभी तक जो सारे पूरे चंद्रयान का जो कमांड थी वो पृथ्वी पर थी, लेकिन इस वक्त जो विक्रम लैंडर है वो अपने कमांड और उसके अंदर ही वो प्रज्ञान है, जो रोवर है, छह पहियों की छोटी छोटी गाड़ी है, वो चांद पर घूम फिर कर पिछले अगले 14-15 दिन तक चांद की सतह पर घूमकर चांद की जो निश्चित निर्धारित अनुसंधान उसको बताए गए हैं वो करेगी, और साथ सब वहां की सुंदर सुंदर चित्र और वातावरण की पूरी पूरी जान पहचान हम तक पहुंचाएगी, और इस ये अद्भुत सफलता है, बिल्कुल ये अद्भुत कामयाबी है, ये अभूतपूर्व कामयाबी है, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी ऐसा करने में कामयाबी दर्ज नहीं की है। मैं साउथ पोल की बात कर रही हूँ चांद के। वीके त्यागी जी, अब तक तो हम गानों में सुनते थे ना चंदा मामा दूर के, बिल्कुल बिल्कुल, अब तो चंदा मामा बहुत करीब के हो गए। करीब के है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये चंद्रयान से हमें बहुत ज्यादा ऑलरेडी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, जिसमें हमने एक हमारा ब्रेक थ्रू ये था कि पानी वाली जो बात थी वो पहली बार सामने आई थी उसी चंद्रयान, हमारे पहले चंद्रयान के डाटा से। और हाँ, अभी ये जरूर है कि इस बारी हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो रहा है, पहले जो था एक चंद्रयान एक कहें कि रिमोट सेंसिंग के जरिए वो हमें इन्फॉर्मेशन भेज रहा था, लेकिन हाँ आप ये फर्स्ट कॉन्टेक्ट कहें कि जो चंदा मामा से है, चंदा मामा की धरती से है वो हमारा होगा, तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। और दूसरी बात ये कि जो कहें कि जो टेक्निकल मैनेवरेबिलिटी जो हम अचीव करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो लास्ट 15 मिनट ऑफ टेरर जिनको सिवान साहब ने भी कहा था, वो हमारी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि वो और मुझे उम्मीद है कि उसमें भी हम खरे उतरेंगे, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि आपने एक बार ही बटन दबा दिया तो आप देखिए कि जो भी वहां पे शुरुआत होगा उसे अब सारा जो ऑपरेशन है वो वही मैनेज होना है। ठीक है, हाँ। ठीक है, और एक बड़ी खबर हमारे दर्शक अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप एक साथ तीन चीजें देख पा रहे हैं, एक तरफ तो आप काउंटडाउन देख पा रहे हैं जब हिंदुस्तान इतिहास रचेगा साउथ पोल पर उतरकर, भारतीय तिरंगा साउथ पोल पर, और दूसरी तरफ ये बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई, कैसे पाकिस्तान को भारत की कामयाबी रास नहीं आ रही है, वो लगातार साजिशों में लगा हुआ है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पुलवामा हमले जैसी ही साजिश की तैयारी की है, बड़ी मात्रा में, जी हाँ बड़ी मात्रा में विस्फोटक वहां पर उतारा है, साथ ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेरर फैक्ट्री चलाता है पाकिस्तान, तो बड़ी संख्या में आतंकी। और आपको याद होगा करीब एक महीने पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप याद कर लीजिए, जनरल ढिल्लन ने साफ साफ कहा था जो उनके लॉन्चिंग पैड्स हैं वो इस समय टेररिस्ट से भरे हुए हैं। और साथ ही हालांकि जो तीसरी स्क्रीन आप अपने स्क्रीन पर तीसरी तस्वीर देख रहे हैं उसे देखकर आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेना ने, पाकिस्तानी फौज ने हमेशा आतंकियों को घुसपैठ कराई है हिंदुस्तान में, अब नई ब्रिगेड तैनात है, फौज, पाकिस्तानी फौज और आतंकी मिलकर पाकिस्तान के लिए ये जो छदम युद्ध है, ये जो प्रॉक्सी वॉर है, इसे लड़ते आए हैं और लड़ भी रहे, ये कहना चाहिए। अब्दुल रजाक खान, एक तरफ हिंदुस्तान कामयाबी की बुलंदियों पर, दूसरी तरफ हिंदुस्तान से जलने वालों की भी कमी नहीं, हिंदुस्तान के भीतर हो या फिर हिंदुस्तान के बाहर हो, जो तो तीन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे पुलवामा जैसे ही आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। सर आपके कमेंट। अदिति जी, सबसे पहले देखिए हर जगह पर निराश हुआ पाकिस्तान, इसके पास कोई तरीका नहीं है, कुछ ना कुछ करके कैसे भी करके आतंकवादी हमले कराना, एक आखिरी उसका एक ये है, उसके लिए भी बहुत सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, ऐसे कुछ हादसे आज की तारीख में हो नहीं सकते। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, देखिए देश के लिए गर्व का माहौल है, हमारे देश को आज के दिन कम से कम पाकिस्तान के साथ तुलना ना करें। देखिए चीन के बाद, रशिया के बाद, अमेरिका के बाद हिंदुस्तान का नाम इतिहास में लिखा जाएगा। नहीं बिल्कुल, देखिए आज के दिन पाकिस्तान को यह कहना कि हम इतनी चांद की बुलंदी पर पहुंच रहे हैं और आप वहीं के वहीं रह गए, हम क्यों पाकिस्तान से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, क्यों पाकिस्तान को मतलब कंपैरिजन पर क्यों आ रहे हैं हम लोग? सर आप उसे कंपैरिजन के तौर पे देख रहे हैं? मानता, देखिए इंडिया ने अचीवमेंट्स बहुत सारे किए हैं।
अब्दुल रजाक, आप उसे कंपैरिजन के तौर पर देख रहे हैं, उसमें तो लेसन है सर। अदिति जी, उसमें तो लेसन है, दो मुल्क एक साथ चलते हैं, एक मुल्क नहीं, बिल्कुल कंपैरिजन लेसन। अरे लेसन हम पाकिस्तान को क्यों सिखाए, विश्व भर में फोर्थ पोजीशन पे आने वाली कंट्री, मैं बोल रहा हूँ अमेरिका के, रशिया के, चाइना के बाद में हिंदुस्तान का नाम इतिहास में लिखा जाएगा। ऐसी कोशिशें पहले इसराइल ने भी की थी, कामयाब नहीं हो सकी। आज हिंदुस्तान जब कामयाब होने जा रहा है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा गर्व का मौका है, एक अचीवमेंट का मौका है। ऐसे मौके पर हम पाकिस्तान के साथ क्यों अपने आप को पेश कर रहे हैं, क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं? सर ऐसे क्यों लग रहा है मुझे हिंदुस्तान से ज्यादा आपको इस बात से तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान को सबक क्यों सिखाया जा रहा है? सर आप पाकिस्तान के बारे में आपको तकलीफ हो रही है तो सुनिए, पाकिस्तान आपका पड़ोसी है। सबक तो पाकिस्तान, सुनिए मेरी बात सर, पाकिस्तान आपका पड़ोसी है, सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए प्लीज, आपका पड़ोसी है, आपके यहाँ टेरर का निर्यात करता है सर, आपको खुश नहीं देख सकता, आपके यहाँ आपको डिस्टेबलाइज करना चाहता है, आपके खिलाफ इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चला रहा है, इसलिए लेसन की बात कर रही हूं मैं। बहरहाल रवि गुप्ता जी, देखिए अदिति जी जो भी फिएट हिंदुस्तान आज हासिल करने जा रहा है, इसकी नींव रखी गई थी 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से, जब उन्होंने फर्स्ट इनको स्पार स्टार्ट किया था, उद्घाटन किया था, उसको जाकर 69 में जब इसरो लॉन्च, मतलब इसरो एस्टैब्लिश हुआ था, वहां से ये जर्नी शुरू होती है। बहुत सारे फिएट्स हमने हासिल किए हैं, SLV, PSLV, GSLV, ये सब जो लॉन्च रॉकेट बने हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। आज इस पर एक सैटेलाइट रखकर इसको चांद पर ले जाना, ये तो एक लंबे सफर का एक एक्सप्लेनेशन है। ऐसा नहीं कि 6 साल के अंदर ये भी बन गया। एसैट के ऊपर जिस तरीके से पार्टी भक्ति की भी सीमा होती है सर, इस पर भी नहीं, पार्टी भक्ति की भी सीमा होती है सर, नींव रखी गई थी, नहीं पार्टी भक्ति की भी, दल भक्ति की भी सीमा होती है अब्दुल रजाक खान, कम से कम साइंटिस्ट का अपमान तो मत कीजिए सर। व्हाट विल दिस कंट्री बी विदाउट इट्स साइंटिस्ट? साइंटिस्ट आप लोग क्रेडिट लेने की दौड़ में उन लोगों के कंट्रीब्यूशन को भूल जाते हैं जिन्होंने सही मायने में योगदान दिया है, जिनकी ये असल कामयाबी है, जिन्होंने हिंदुस्तान को फक्र करने का मौका दिया है सर। आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए मीडिया चैनल सर, सुनिए मेरी बात, ये बात शोभा नहीं देती सर, ये बात शोभा नहीं देती। 130 करोड़ भारतीयों को अपने साइंटिस्ट पर गर्व है सर, ये उनकी कामयाबी है, आप चाहे इस बात को कबूल करें या ना करें। संचेता गजपति अपनी कामयाबी गिनवा रहे हैं मैम, एसैट जो हम लोगों ने आप अपनी कामयाबी गिनवा रहे हैं, उसको सब अपनी अपनी कामयाबी गिनवा रहे हैं। चलिए इस कामयाबी में अच्छी बात यह हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्रेडिट तो साइंटिस्ट को दे दीजिए। बिल्कुल हम आए जी जी जी, हेलो। देखिए आज पूरे भारतवासी, हर एक नागरिक के लिए बहुत गर्व की बात है, और हम सब इसरो का और हमारे सब साइंटिस्ट कम्युनिटी का, उनके बहुत बहुत हम प्रणाम करते हैं। ये पूरा का पूरा श्रेय उनको जाता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी को नहीं। बहुत अफसोस की बात है कि आज कोई कांग्रेस या कोई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करे। आज ये दिन है हमारा साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए और पूरा विश्व को बताने के लिए कि भारत भी अपना इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हम न्यू फ्रंटियर जो स्पेस है वहां पे भी एक मेजर प्लेयर बन सकते हैं। ये पहली बार, जैसे आपने सही से बोला, ये पहली बार हम साउथ पार्ट ऑफ द मून पे लैंड कर रहे हैं, वहां हीलियम भी होता है, वाटर आइस भी होता है। ये एक टेक्नोलॉजी के तरफ से बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारा, और हमें पहले लोग बोलते थे कि भारत एक डेवलपिंग नेशन है, पर देखिए एक टाइट बजट के अंदर हमारे जो साइंटिस्ट है, मतलब वो कोई भी किसी से कम नहीं है, और ये आज का दिन उनको धन्यवाद देने का है। और हमारा जो नेक्स्ट जेनरेशन है, जो यंग स्टूडेंट्स है, जो महिलाएं हैं, उनके लिए भी एक बहुत गर्व का दिन है, क्योंकि वो भी ये जब मिशन को देखेंगे वो भी सोचेंगे कि कल को वो भी अपना पैर मून पे रख सकते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन पे जा सकते हैं। और हमारा साइंटिफिक कम्युनिटी का ये पूरा क्रेडिट उनको जाता है, इसको हम को पॉलिटिकल नहीं करना चाहिए। हाँ जी, प्रधानमंत्री जी इसको बढ़ाना चाहते हैं, इसको पूरा सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल
जरूर इसरो पहले शुरू हुआ था, हम उसको अक्नॉलेज करते हैं, लेकिन आज का दिन हमारे साइंटिस्ट का दिन है। हमें कभी कभी भी क्रेडिट शेयर करना चाहिए, पूरा क्रेडिट हम कभी नहीं लेते, और बहुत गर्व का दिन है भारत के लिए। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, जैसे आपने सही से बोला, मतलब भारत कहाँ और पाकिस्तान कहाँ, हमारे बिल्कुल नेबर है, वी कैन नेवर चेंज आवर नेबर्स, लेकिन क्या करें, वो इतना टेरर को प्रमोट करते हैं, बहुत अफसोस की बात है। स्पेशली पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं, उनका इकोनॉमी बिल्कुल खराब चल रहा है, रुपी डीवैल्यू हो गया है, वो बिल्कुल बैंक्रप्ट हो गए हैं, तो बहुत अफसोस की बात है। लेकिन आज भारत के लिए बहुत गर्व की दिन है, क्योंकि जो नेक्स्ट फ्रंटियर है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में होगा। बिल्कुल सही बात। जो प्राइस हमने किया है वो वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियली वायबल सॉल्यूशंस है, और हम ये बहुत बड़ा एक बिजनेस भी होने वाला है, बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है रवि गुप्ता। ये स्पेस बिजनेस है, ये स्पेस इकोनॉमी है, ये सस्ता और टिकाऊ मॉडल है हिंदुस्तान का, कंप्लीटली मेड इन इंडिया। बेशक ये आज का दिन और आज की रात कहें तो बहुत ही गर्व की बात है हर भारतीय के लिए, और मैं अपने इसरो के वैज्ञानिकों को, समस्त भारतवासियों को और मानव जाति को एक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। ये जो हम जहां पहुंचे हैं आज, ये शुरुआत इसकी हम एक श्रेय देना चाहिए डॉक्टर विक्रम सारा भाई के विजन को। सन 1947 में आकर के उन्होंने कैम्ब्रिज से 28 साल की उम्र में उन्होंने एक जिसे कहते हैं आज फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, इसकी स्थापना की। और मैं ये बता दूं कि ये उनको इसके लिए कहीं से सरकार से पैसा नहीं मिला था, उन्होंने अपना खुद का पैसा और अपने मित्रों से पैसा मांग करके इस काम की शुरुआत की थी। हमारा जब कभी किसी काम की शुरुआत अच्छी होती है, उद्देश्य शुभ होता है, तो सफलता मिलती है, बशर्ते कि साथ में मेहनत रहे। हमारे वैज्ञानिकों ने कमर तोड़ मेहनत भी की है, और यही कारण है कि आज हम इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। जब हम शुभ की बात करते हैं, भारत हमेशा से जो भी काम करता है जन कल्याण की भावना मन में रखकर करता है, किसी से होड़ में आके काम नहीं करता। यही कारण है कि हमने चाहे आराम धीरे धीरे किया है, चंद्रमा पे भी अपोलो आप जानते हैं चंद दिनों में पहुंच गया था, हमारे चंद्रयान को पहुंचने में 48 दिन लगे हैं, क्योंकि हमें किसी से कोई होड़ नहीं करनी, कंपटीशन नहीं करना, हमें एक काम को पूरे एहतियात के साथ कम से कम कीमत पे करना था, और हम करके दिखा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, भारत का जिक्र किया, ठीक है, पाकिस्तान से कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते हैं कि पाकिस्तान जिस धरती पर आज कहा जाता है और जो लोग पाकिस्तान में बसते हैं कभी वो भी भारतवासी थे। शुरुआत गलत की, हमारी शुरुआत हमारे पुराने हजारों वर्ष पुराने मूल्यों पर आधारित रही, हमारे पास जो आया हमने उसको गले लगाया। पाकिस्तान की शुरुआत हुई एक एक कम्युनल आधार पे, और यही कारण है कि क्योंकि शुरुआत उन्होंने गलत की है आज वो सफर कर रहे हैं, हम कहीं आगे निकल चुके हैं। चौथा देश बनेगा भारत चांद पे उतरने वाला, पहला देश होगा जो साउथ पोल पे लैंड कर रहा है। लेकिन साथ ही एक बात और भी है कि खाली हम ही एक ऐसे देश हैं, हमने अपने पहले मिशन के लिए, पहले चंद्रयान के उतरने के मिशन के लिए हमने कहीं किसी से कोई बाहर से सहायता नहीं ली है। अमेरिका भी ये माना जाता है स्वदेशी, टोटली स्वदेशी है, अमेरिका भी चांद पे गया था। ये कंप्लीटली मेड इन इंडिया मिशन है। आज आपको फक्र करना है, फक्र करना है उन साइंटिस्ट पर जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की है, जिन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज में चीजों को कर दिखाया है, जिन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज में ऑपरेट करते हुए दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। पॉलिटिकली भले ही इसके क्रेडिट को लेकर होड़ लगी रहे, लेकिन आज भूले नहीं, हिंदुस्तान के लिए फक्र का दिन। और हमारी कोशिश अपने इस ब्रॉडकास्ट के जरिए न सिर्फ आपको ये दिखाने की कि हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा दिन ये है, हम ये भी चाहते हैं कि हमारी इस कवरेज के दौरान आप भी अपनी जिंदगी में कुछ चीजें सीखें, कुछ बातें सीखें। वो कौन सी बातें हैं जो जिंदगी में आपको आगे लेकर जा सकती हैं, ये कोशिश भी हम अपनी इस ब्रॉडकास्ट के जरिए करें। छोटे से ब्रेक ले यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन ये काउंटडाउन तेजी से गिरता हुआ, कम होता हुआ, और हिंदुस्तान इतिहास के उतने ही करीब आगे बढ़ता है। यकीन मानिए आज वो रात है जो अगर आप जागे और इतिहास के गवाह बने तो आप आने वाली कई पीढ़ियों को कहानी सुनाएंगे कि आपने हिंदुस्तान को दुनिया का पहला मुल्क बनते हुए देखा जिसने चंद्रमा पर के साउथ पोल पर
लैंडिंग की थी। इतिहास रचने से भारत कुछ ही घंटों दूर, हर घड़ी की हर टिक टिक के साथ, घड़ी की हर टिक टिक के साथ हिंदुस्तान इतिहास के इतिहास रचने के करीब बढ़ता हुआ। तो दूसरी तरफ हम बात हमारे पड़ोसी की भी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार साजिशों का दौर जारी है सीमा पार से। खास मेहमान कई लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन बीके त्यागी जी, कल तक जब गानों में सुनते थे चलो तुम्हें चांद पर ले जाए, तो लगता था अतिशयोक्ति है। मैं इसे बहुत आम बोलचाल की भाषा में हमारे दर्शकों को समझाना चाहती हूँ। अब जब हिंदुस्तान को हम देखेंगे साउथ पोल पर लैंड करते हुए और सॉफ्ट लैंडिंग के लिहाज से चौथा मुल्क बनते हुए, हिंदुस्तान के लिहाज से अपने आप में लैंडिंग एक कीर्तिमान है, लेकिन उसके आगे क्या? देखिए, ये एक्चुअली आपको याद होगा कि अगर हमें आउटर स्पेस को कॉलोनाइजेशन करना है, क्योंकि एक डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में पहला हमारा कहें कि ये दूसरा एफर्ट एक तरीके से है, और अगर पूरी इस पृथ्वी के बाहर अगर हमें दुनिया बसाने की बात हम करते हैं तो क्या होगा। इसीलिए देखें कि जो उसका एटमॉस्फेयर जानने की बात हो रही है, उसका जो टोपोग्राफिक प्रोफाइल है, यानी कि जो मिट्टी है उसकी जो ऊपरी सतह है उसकी बात हो रही है, वहां पे जो भूकंप आते हैं उसको जांचने की बात हो रही है, तो एक जो किस तरीके से वहां जीवन को एक बनाया जा सकता है जीने लायक, या वो क्या पैरामीटर हैं जिसको हमें ओवरकम करना पड़ेगा इससे पहले कि वहां पे कॉलोनीज को बसाया जाए, तो ये एक तरीके से हम मान सकते हैं कि उसकी तैयारी है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सही मायने में हिंदुस्तानियों को चांद पर ही ले जाने की तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनिशियली वो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, एज ए ट्रेवलर आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, आप चांद पर भी घूम सकते उम्मीद करती हूँ मेरी जिंदगी में ये मुमकिन हो पाएगा, मुझे मौका मिलेगा। बलदेव डावर जी। हाँ, आज का दिन जो है हमारे लिए, सभी देशवासियों के लिए, चाहे वो किसी प्रदेश से हैं, किसी संप्रदाय से हैं, सबके लिए बड़ा गर्व का वक्त है। इसरो के इतिहास में हम दूसरे देशों से सहयोग करते रहे हैं और हमें सहयोग मिलता रहा है। इक्विपमेंट है, संचालन है, डिजाइन में हमें रूस से, अमेरिका से, फ्रांस आदि दूसरे देशों से मदद मिलती रही है। केवल इस दफा हमने जो किया है वो अपने बलबूते पे किया है, डिजाइन भी अपना है, स्वदेशी है, सारे इक्विपमेंट स्वदेशी है, यहाँ तक के क्रायोजेनिक इंजन जो था वो भी इस दफा स्वदेश में बने हैं, और साथ संचालन जो था वो भी पूरी तरह से स्वदेशी हाथों में था। लेकिन गर्व का मामला है, लेकिन ये जो हमने उपलब्धि की है ये किसी होड़ के कारण नहीं की, किसी दूसरे देश के साथ होड़ के कारण नहीं की, ना किसी और देश को नीचा दिखाने के लिए, बल्कि हमें साइंस की स्पिरिट में पूरी मानव जाति के लिए अपनी इस उपलब्धि को एक योगदान के रूप में देखना चाहिए। सो हमारा जो है ये साइंस के लिए, दुनिया की साइंस के लिए एक योगदान है, और इस योगदान पर हमें गर्व है, और आगे भी भविष्य में हम जो है दूसरे देशों के साथ मिलकर, आज के घड़ी में भी जो हमारी जब सॉफ्ट लैंडिंग होगी और जब प्रज्ञान बाहर आएगा, उस वक्त नासा से भी इसको शूट किया जाएगा और नासा जो है वो डायरेक्ट कमेंट्री देगा। ये अंतर्राष्ट्रीय हमें मिल रहा है, और नासा भी मानव जाति की साइंस एक है, और इसमें सीमाएं नहीं है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, बहुत सुंदर बात है, वो ये है कि चांद की अभी तक सतह की जो तस्वीरें आई हैं वो कोई इतनी बहुत सुंदर नहीं है। चंद्रमा तो यहाँ सौंदर्य का प्रतीक रहा है, लेकिन प्रज्ञान से जो हमें कुछ तस्वीरें अभी मिलने वाली है उनमें एक तस्वीर बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यारी होगी, और वो पता कौन सी, जब प्रज्ञान जो है वो अपने चंद्रमा के आकाश की तरफ अपने कैमरे को करेगा और वहां उसे एक विशाल चांद दिखाई दा, हरत नीली और सफेद आभा लिए हुए, बहुत प्यारी तस्वीर होगी, और वो हल्के हल्के धीरे धीरे से वो 24 घंटे में अपना एक चक्कर लगाएगी, वो हमारी पृथ्वी होगी। आशा है प्रज्ञान द्वारा भेजे हुए ये जो पृथ्वी के चित्र हैं, अखंड पृथ्वी के चित्र हैं जिस पर सीमाएं नहीं है, जिसमें हिमालय पर्वत और निजे हिंद महासागर स्पष्ट दिखाई देंगे, ये जो तस्वीरें हैं
वो घर घर में, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में घर घर में तस्वीरें दिखाई दे, दीवारों पर ये तस्वीरें। सर आपने जिस तरह से डिस्क्राइब कर दिया है ना, कई दशकों तक प्रज्ञान जो तस्वीर लेगा और जितने अद्भुत अंदाज में आपने डिस्क्राइब कर दिया है, तो मुझे पूरा यकीन है जिन दर्शकों ने अब आपके कमेंट सुन लिए होंगे तो वो ये इंश्योर करेंगे उनकी अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई है। कल्पना जो है, जो कल्पना है वो दौड़ने लगी है कि कैसी तस्वीर होगी, कैसी अद्भुत तस्वीर होगी, कैसी नायाब तस्वीर होगी। रवि गुप्ता जी, सर एक डिस्कशन मैंने बीते दिनों में कई बार किया, दो महीने से लगातार कर रही हूं, वो है क्रेडिट लेने को लेकर डिस्कशन। हमने ये किया, तुमने ये किया, अभी तो अब्दुल रजाक खान ने कहा ना ये तो कांग्रेस ने किया। ये क्रेडिट की लड़ाई के बीच हिंदुस्तान का कामयाबी की बुलंदियों पर चढ़ जाना या छू लेना क्या बताता है दुनिया को? देखिए जो लोग ऐसी सोच रखते हैं मुझे उन पे बहुत दुख होता है उनकी सोच को देख करके। और अगर जब ऐसे शब्द कोई कहता है तो मैं उनसे यही पूछता हूं कि भाई अगर कोई किसी नेता ने अगर इनॉग्रेशन किया, किसी ने काम कर दिया, आपने आके इनॉग्रेशन कर दिया, तो इसमें क्रेडिट आपको लेना है तो आपको शर्म आनी चाहिए। अगर मैं क्रेडिट जब मानता कि जब जिसका नाम का क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं उन्होंने अपनी गाड़ी दी होती कि भाई इस रॉकेट को, इस सेटेलाइट को लेकर के बैलगाड़ी पे मत जाओ, मैं गाड़ी देता हूं इसमें लेके जाओ। हमारे वैज्ञानिकों को साइकिल, डॉक्टर कलाम की फोटो आप देखिए, उन्होंने साइकिल पे रॉकेट को लाद लाद करके और साथ पैदल चल के मीलों और लेके जाते थे, वहां से रॉकेट फायर करते थे अपने हाथ से। उन्होंने एक्सप्लोसिव्स को जो इतना कॉरोसिव होते हैं उनको ऐसे आटे की तरह गूंद करके उन्होंने इसके इसकी जो रॉकेट मोटर से उनको तैयार किया है। किन हालात में काम किया है वैज्ञानिकों ने। अगर क्रेडिट लेना चाहते हैं तो डिसक्रेडिट भी लीजिए कि उनको शर्म आनी चाहिए कि वैज्ञानिकों को ऐसे हालात में काम करना पड़ा। दुख की बात यह है कि आज भी हम अपनी जीडीपी का बहुत ही कम पैसा विज्ञान पर लगाते हैं, जो बहुत ही गलत बात है, बहुत शर्म की बात है। हमारे वैज्ञानिकों के अपनी मेहनत से एक आदमी चार चार के बराबर काम करके, बीच में कटौती भी हुई थी, बहुत कटौती करते चले जा रहे हैं। अभी रिसेंटली भी बजट में कटौती की गई है और अपना ये सीएसआईआर का बताएंगे कि किस तरह से उनको भी पैसा जो है अपना उनको कमाने के लिए बोला जा रहा है कि भाई आप ठीक है, मैं मानता हूं ओके आज का जमाना कंपटीशन का है, आप कंपटीशन में आइए, लेकिन एक आधारभूत फैसिलिटी तो पहले बनाइए। ठीक ठीक ठीक। अब्दुल रजाक क्रेडिट लेने की होड़ है, जो फेलियर्स है उसका क्रेडिट कौन लेगा? अदिति जी देखिए, एक फेजेस के तौर पर डेवलप हुआ है इसरो, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट्स के सपोर्ट नहीं थे। देखिए 19 अप्रैल 1975 में जब हमने पहला सैटेलाइट बनाया था आर्यभट्टा, हमारे पास लॉन्च व्हीकल नहीं था, एक लॉन्च मिसाइल नहीं था जिसके लिए हम अपने लॉन्च इस पर पेश करके उसको ले जा सकते थे। तो क्यों नहीं था रूस क्यों नहीं था, सवाल मेरा यह है कि क्यों नहीं था, सोवियत यूनियन था। तो सोवियत यूनियन की मदद से, सर आप जब बोल रहे थे हमने खामोशी बरती, तो मैं वही रेस्पेक्ट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर। सर लेकिन उनका एक सवाल है ना, कह दिया कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना पैसा लगा करके इसरो शुरू कर दिए, ये सब बातें हम सुने हैं सर, झूठ तो मत बोलिए सर कम से कम दर्शकों के सामने। क्या झूठ बोला मैंने सर? आप थोड़ा दिस इज ऑन रिकॉर्ड, आई कैन गिव यू द रिकॉर्ड्स। लेकिन आप झूठ तो मैं आपको रिकॉर्ड दे सकता हूं सर, डॉक्टर विक्रम नेता लोग बोलते हैं, साइंटिस्ट झूठ नहीं बोलते हैं, इसरो शुरुआत नहीं किए थे सर। जगह संभल के बात कीजिए सर, डॉक्टर मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं दिखा सकता हूं आपको। पैसा लगाकर नहीं शुरू किए थे सर, पहले इनको स्टार शुरू हुआ था सर, फिर उसके बाद में 69। आप बासठ की बात कर रहे हैं, मैं 1947 की बात कर रहा हूँ, जब कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पीएचडी करके डॉक्टर विक्रम सागर भाई हिंदुस्तान आए हैं 1947 में। उन्होंने जो शुरुआत की है विज्ञान की, स्पेस विज्ञान की, 1962 आने में 15 साल लगे हैं। 15 साल तक क्यों नहीं पैसा दिया गया, क्यों 62 का इंतजार करना पड़ा? गवर्नमेंट ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया है साइंटिस्ट को, आज भी देख लीजिए। नहीं मैंने ये नहीं कहा, गलत मत कीजिए, मैंने ये नहीं कहा कि सपोर्ट नहीं किया। खैर इस बात को, लेकिन जितना सपोर्ट करना चाहिए था उतना नहीं किया। तो पूर्ण बात आपसे कह रहा था कि हिंदुस्तान की कोशिश हमेशा रही है कि ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड हम रहे। आज अगर हम इस स्थिति में भी फोर्थ पोजिशन में आते हैं तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत से आगे जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो भी इस फीयट को हासिल नहीं कर पाए।
चांद पर जाना तो अलग चीज है, हम लोगों ने मार्स का सफर भी तय किया है जो चांद से 200 गुना ज्यादा लंबा है, वो सफर भी हमने तय किया है। तो हिंदुस्तान का अचीवमेंट वन बाय वन होता रहा। हमारे पास जब लॉन्च रॉकेट नहीं थी तब हमने जाकर के जो सैटेलाइट बनाया था, पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा जो बना था वो सोवियत यूनियन की मदद से हमने उसको स्पेस में भेजा था। आज हिंदुस्तान में क्षमता इतनी है कि अलग अलग कंट्रीज के सैटेलाइट्स को हमारे लॉन्च व्हीकल्स ले जाकर स्पेस में छोड़कर तो सर इसमें सिर्फ सरकारें हैं, मतलब मुझे तो आपकी बातों को सुनकर ऐसे लग रहा है जैसे सत्ता का मद होता है ना, एक अहंकार होता है कि सरकारों ने, उन्होंने एट नो पॉइंट ही क्वेश्चन की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा साइंटिस्ट के पास रिसोर्सेज लिमिटेड रहे। सर अगर आप क्रेडिट लेना जानते हैं सर तो नाकामी का क्रेडिट भी लीजिए, उसके लिए ओन अप कीजिए, ओन अप कीजिए। आप लोग आप नहीं करते। संचेता गजपति 20 सेकंड्स में मारते, फिर मुझे अपने सहयोगी का रुख करना है। संचेता गजपति बिल्कुल एक एक फेज की तरह डेवलप हुआ है। जी 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 हम बोले जी। देखिए मैडम ये तो बोल रहे हैं कि आज का दिन पूरा पूरा श्रेय जी 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 बोले बात पूरी करें। देखिए भाजपा या प्रधानमंत्री मोदी जी, भाजपा या प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा जो क्रेडिट है सबके साथ शेयर करते हैं। उन्होंने ही इतनी बार बोला है कि इसरो को बधाई देते हैं, हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी को बधाई देते हैं, ये पूरा पूरा श्रेय उनको जाता है। ठीक मैम। बहुत अफसोस की बात है कि कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को श्रेय देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत बड़े दिल वाले हैं। अगर आप देखेंगे, मैं राजनीति को तो इसमें नहीं लाना चाहती हूँ, पर जहां तक सरदार पटेल हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही स्टैच्यू बनाया है। जहां तक दूसरे पॉलिटिक्स से आगे बढ़ के वी मस्ट क्रेडिट आर साइंटिस्ट, और जो आम लोग हैं वो अपने साइंटिस्ट को सराहते हैं, इस नायाब कामयाबी पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मेरे सहयोगी राकेश का रुख कर लेते हैं, उसी पंडाल में मौजूद हैं जहां पर हमारे साइंटिस्ट को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तस्वीरें दिखाइए, क्या कह रहे हैं लोग, ऐतिहासिक लम्हा, हर किसी को इंतजार उस लम्हे का। जी देखिए अदिति, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ मुंबई के एक गणेश पंडाल की, और यहाँ पर आपको इस थीम से ही अंदाजा लग जाएगा कि जो गणेश भक्त हैं उनमें भी आज उतनी ही जो है उतना ही उत्साह है, उतना ही ईगरनेस है जितना कि आज देश के तमाम भारतीयों को है। इंडिया स्प्राइड, भारत का अभिमान लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो इसरो को यहाँ पर चिन्हित किया गया है, जो सिम्बल है यहाँ पर चंद्रयान 2 की जो रेप्लिका है वो बनाई गई है। वहीं दूसरी तरफ जो है यहाँ पर चंद्रयान 2 की जो टीम है खासतौर से उन्हें दिखाया गया है, जितने जो साइंटिस्ट हैं जो लगातार इस ऐतिहासिक सपने को पूरा करने जा रहे हैं, आज एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं, उन सभी की जो तस्वीर है वो यहाँ इस पंडाल के भीतर यहाँ पर लगाई गई है। अगर मैं आपको थीम की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो पूरा जो सौर्य मंडल है वो यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर तमाम जो ग्रह हैं वो बनाए गए हैं, प्लैनेट्स बनाए गए हैं, और दूसरी तरफ जो है जो चंद्रमा। राकेश बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें हैं, आएंगे आपके पास, ये दर्शाया गया आपके पास आएंगे, आपसे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।